उन झील को देता है जो कंवल के लिए, मैं उनके नाम, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बुलंदतर सलावात। ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस जमीन पर अर्शे बरी के तारे, ए चांद करबला के, ए चांद जलवाए गए है हाशिम का चांद यहाँ पर, ए चांद गल जलवाए गर है हाशिम का चांद यहाँ पर, खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से, चांद करबला के, ए चांद इस जमीन पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर जहरा के हैं ये प्यारे, हुर और हबीब जैसे जहांबाज और हैबा, हुर और हबीब जैसे जहांबाज और हिब्बा, मारे गए यहीं पर अंसार शाहिदीन के, मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से, मुस्लिम के दोनों प्यारे ज़ैनब के दोनों बेटे, पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास
दास और सर्वर चुनते थे इनके टुकड़े, गर्दन छिदी पिसर की बाजू छिदा पिदर का, गर्दन छिदी पिसर की बाजू छिदा पिदर का, दोनों तड़प तड़प कर प्यासे जहां से गुजरे, दोनों तड़प तड़प पर प्यासे जहां से गुजरे, ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, शहजादाए जिनाही मालिक है करबला का, किसकी मजाल आए जब तक न वो बुलाए, किसकी मजाल आए जब तक न वो भलाए, पहुंचा है करबला में नाचीज सिप्त जाफर, पहुंचा है करबला में नाचीज सिप्त जाफर, काश फिर मुकद्दर हमको ये दिन दिखाए, ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे। बुलंदर सलावात अल्लाह उस्ताद सिप्त जाफर के बुलंदी दराजात के लिए बावजूद बुलंद सलावात पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मद। और किबला साहब की पेशखानी के लिए अदनान मोहसिन साहब का एक सलाम है कि अमीर लश्कर सिदको सफ़ा हुसैन का गम, अमीर लश्कर सिदको सफ़ा हुसैन का गम, तुम्हें नसीब हो अहले अज़ा हुसैन का गम, और ज़माने बीत गए आँख की नमी न गई, ज़माने बीत गए आँख की नमी न गई, दिखा रहा है अजब मौजज़ा हुसैन का गम, और गमे ज़माना से दिल बैठने लगा जो कभी, गमे ज़माना से दिल बैठने लगा जो कभी, बराए नुसरत मोमिन उठा हुसैन का गम, और ये दिन मनाने का वादा बहुत पुराना है, ये दिन मनाने का वादा बहुत पुराना है, शबे अलस्त में हमने चुना हुसैन का गम, और हमारी आँखों में पलती रही हुसैन की याद, हमारी आँखों में पलती रही हुसैन की याद, हमारे सीनों में बढ़ता रहा हुसैन का गम, और हमारी माँओं की आगोश है विलाए अली, हमारी माँओं की आगोश है विलाए अली, हमारी बहनों के सर की रिदा हुसैन का गम, और जवान सीनों की खातिर ज़रा है मातम शाह, जवान सीनों की खातिर ज़रा है मातम शाह, ज़ईफ़ हाथों की खातिर असा हुसैन का गम, ज़ईफ़ हाथों की खातिर असा हुसैन का गम। और इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हुज्जत इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना कमर अली रिजवी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल मसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत,
یزیدیت یزیدیت برای خوشنودی امام زمانہ با آواز بلند صلوات فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البتهي ابتہی اتہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد سوئل عن قوله تعالی فلنحیینہ حیاتا طیبہ فقال علی علیہ السلام ہی القنا صلوات بھیجے محمد والے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز 1444 ہجری کے محرم کا چاند افق پر نمودار ہو گیا پوری دنیا میں سرکار سید الشہداء کے نام کا فرش بچھ گیا وہ ماں کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا جب اس سے اس کے بابا نے یہ بتایا وقت ولادت سرکار سید الشہداء نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر جناب سیدہ نے پوچھا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا میری بیٹی جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپ کر ماں نے پوچھا بابا یہ واقعہ کب ہوگا کفی زمان خالی و انی وان کے وان علی وان حسن یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم نہ علی ہوں گے نہ حسن ماں نے تڑپ کر کہا پھر میرے لال کو روئے گا کون پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا تڑپ کر پیغمبر اسلام نے کہا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم ہاں آزادارو کل بھی آپ نے استقبال عزا کی مجالس میں شرکت کی ہوگی لیکن اب تو محرم کا چاند نکل آیا وہ تمنائے زہرا جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے آپ نے آ کر کے بتایا اور میں بھی ہر سال چاند رات کی مجلس کا آغاز فضائل سے نہیں بلکہ مصائب سے کرتا ہوں تاکہ میں یہ کہہ سکوں بی بی جس قوم کی تمنا تھی یہ قوم دیکھیے کس طرح سے آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے
जज़ाकुम रब्बकुम। हाज़ा दारो खुदावंद आलम आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के, माओ की गोदियाँ आबाद रहें, बुजुर्गों के साए अपने बच्चों पर कायम व बरकरार रहें। हाँ, आले मोहम्मद के घर का दस्तूर था कि चांद निकलने के बाद बुजुर्गों के चेहरे देखे जाते थे, लेकिन हाय सोगरा क्या करे मुहर्रम का चांद देख कर, इसलिए कि न बाबा हैं न चचा हैं न भाई हैं। हाँ आज़ादारों, चलते हुए काफले ने भी चांद देखा होगा, और जब बीबी जैनब की नज़र इस मुहर्रम के चांद पे पड़ी होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ आज़ादारों, देखिए पता है आपको, आले मोहम्मद के घर में जब मुहर्रम आता था तो सफ़े अज़ा बिज जाती थी। एक मरतबा आठवें इमाम की खिदमत में इब्न शबीब आए हैं, बदला हुआ मंजर देखा है। पता है आपको, आपके आठवें इमाम ने क्या कहा, इब्न शबीब अगर तुमको किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत पे रोना आए तो मेरे जद्द मजलूम को रो लिया करो, इसलिए कि मुहर्रम वो महीना है जिसमें दौरे जाहिलियत में जदाल व क़िताल को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस उम्मत ने इसी मुहर्रम के महीने में न मुहर्रम की निस्बत का ख्याल किया न अपने नबी की निस्बत का ख्याल किया, आले मोहम्मद को करबला के मैदान में। हाज़ादारों, जुमले सुनेंगे, कहा जद्दे मजलूम को इस तरह से ज़िबह किया जैसे जानवर को ज़िबह किया जाता है। जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ आज़ादारों, आप आने वाले दिनों में, आने वाली रातों में अपने को मसरूफ़ अज़ा रखेंगे, यकीनन उस उजड़े हुए घर को आप पुरसा देंगे बीबी सैयदा को, यकीनन। देखिए अभी आपने सुना भी और यही है भी कि जनाब ज़ैनब ने फ़र्श अज़ा बिछाई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यकीनन फर्श अज़ा तो जनाब ज़ैनब ने बिछाई, लेकिन फ़िक्र अज़ा सबसे पहले जनाब ज़हरा ने की। फ़िक्र अज़ा सबसे पहले जनाब ज़हरा ने की कि मेरे लाल को रोएगा कौन, मेरे लाल को गिरिया कौन करेगा, इसलिए कि अज़ादारों अभी मैं बरले में पढ़कर आ रहा हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते मैं कानपुर में एक ईसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा था, इत्तेफाक से वो एक मोमिना के ईसाले सवाब की मजलिस थी जिसके घर में करबला के खाक की तस्बीह थी, तो बहुत से लोगों ने गवाही दी कि हमने खुद जाकर देखा है आशूर के दिन उस खाक को, उस तस्बीह को खून आलूद होते हुए सुर्ख होते हुए। बुजुर्गों ने भी ये चीज़ सुनी होगी। मैंने तड़प कर कहा कि अगर खाक पर खून हुसैन का ये असर है कि आज तक वो खून आलूद हो रही है, तो जिस जहरा का खून है हुसैन, अगर वो जहरा अपने बच्चे के लिए तड़पे, अपने बच्चे के लिए रोए, क्या खूबसूरत इस्तकबाल आपने किया है मुहर्रम का। हाँ यही अंदाज है अली वालों का, यही अंदाज है हुसैन वालों का। हाँ आज़ादारों, आपने नए साल का आगाज खुशी से नहीं किया, आपने नए साल का आगाज फरजंदे रसूल के गम से किया है, ताकि आप कह सकें या रसूल अल्लाह, अगर हम आपका कलमा पढ़ते हैं तो हम आगाज नौ, आगाज साल आपके नवासे के गम से कर रहे हैं। जज़ाकुम रब्बकुम। चंद जुमले और फिर मैं अपनी गुफ्तगू बाकायदा तौर पर शुरू करूंगा। हाँ आज़ादारों, और वो ये कि देखिए यकीनन बहुत सी बातें हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हैं जो बड़े मोतबर लोग थे, लेकिन मैं बुजुर्गों की बातों की बुनियाद भी किसी मोतबर रवायत पर बनाता हूँ। यकीनन हमने बुजुर्गों से सुना है, और जहरा की नूरानियत की वजह से शक नहीं करना चाहिए कि बीबी सैयदा आती हैं पुरसा लेने के लिए। अगर साहिब गम नूरानी है तो उस पर मौत का असर नहीं होता है, यकीनन वो दुखिया
या माँ अपनी बेटी और पोती के साथ हर मजलिस में जाती है और कहती है कहाँ है मेरे बेटे के मातमदार, कहाँ है मेरे बेटे पर गिरिया करने वाले। यकीनन ये सुनी हुई बात है, लेकिन मैं बताऊं कि इस माँ को अपने बेटे से मोहब्बत कितनी है। और यह रवायत कमोबेश हर मख्तल की किताब में मौजूद है। एक एक फर्द तस्दीक करेगा किसने, कौन ऐसा है इस मजमे में जिसने अजाए फातिमी में यह रवायत न सुनी हो कि जब हस्ब वसीयत मौला अली ने वसीयत करके सैयदा के जनाजे को सहने खाना में रखा और अपने बच्चों से कहा कि अम्मा को आखिरी सलाम कर लो, सब तो आए लेकिन हुसैन ने कहा कि अम्मा बुला आएंगी तब मैं जाऊंगा। बेटे का कहना था कि बंदे कफन टूटे। साहिबे मफातिहुल जनान शेख अब्बास कुम्मी, उन्होंने अपनी तहरीर में ये रवायत लिखी है कि एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, आवाज आई आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। तो अगर ये मोतबर किताबों में रवायत मौजूद है तो आप कैसे सुनेंगे? जहरा जिस हुसैन के लिए बंदे कफन तोड़ रही है, वो हुसैन अभी 3 दिन का भूखा तो नहीं है, अभी 3 दिन का प्यासा तो नहीं है, अभी उसने 72 लाशें तो नहीं उठाए। तो जो जहरा इस हुसैन के लिए बंदे कफन तोड़ सकती है, अगर वो जहरा करबला में हुसैन के नाम पर, अगर वो माँ आज पुरसा लेने के लिए आ जाए, तो ये मकाम ताज्जुब नहीं है बल्कि ये माँ की मोहब्बत है। बस अजीजाने मोहतरम, मैंने आपका वक्त लिया। खुदावंद आलम आने वाले दिनों में आपको इस उजड़े हुए घर को पुरसा देने की तौफीक अता करे। हाँ, मैंने इस साल गुफ्तगु के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ईमान व अमल साले किरदार आले मोहम्मद की रोशनी में, और गुफ्तगु का जरिया खुदाए फसाहत मौलाए बलागत गालिब अला कुल गालिब मतलूब कुल तालिब हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज जो नहजुल बलागा की जीनत है। जानने वाले जानते हैं मैं अदना सा नहजुल बलागा का तालिब इल्म, और तकरीबन गुज़िश्ता 25 साल से ज़्यादातर अपनी गुफ्तगू का आगाज खतीब मिंबर सलूनी के कलाम से करता हूँ। क्यों? इसलिए कि पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में, पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में आज अच्छे अदीब होते हैं, पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में आज अच्छे अदीब होते हैं, और तेरे खुतबों का फैज है ज़ैनब आज हम में खतीब होते हैं। माशाल्लाह, तो मैं नहजुल बलागा का अदना सा तालिब इल्म इस साल भी अपनी गुफ्तगू का आगाज खतीब मिंबर सलूनी के कलाम बलागत निज़ाम से कर रहा हूँ। नहजुल बलागा मौलाए कायनात के कलाम का वो मजमुआ जिसमें आपकी तकरीरें भी हैं और आपकी तहरीरें भी हैं, यानी आपके खुतबात भी हैं और आपके लिखे हुए खतूत अहदनामे और वसीयत नामे भी हैं, और हर अली अली करने वाले को नहजुल बलागा से अपने को वाबस्ता रखना चाहिए। मौला अली से तो ख्वाब में मुलाकात खुशकिस्मत लोगों की होती है, लेकिन अगर आप कलाम अली से मिलना चाहते हैं तो नहजुल बलागा की शक्ल में आपके पास आपके मौला का कलाम मौजूद है, और जब आप नहजुल बलागा पढ़कर अली अली करेंगे तो फिर उसका लुत्फ ही और होगा, उसका अंदाज ही और होगा। अजीजान मोहतरम, नहजुल बलागा में 238 खुतबे हैं। जानने वालों के लिए नहीं,
न जानने वालों के लिए, जानने वालों के लिए तो याद दहानी है। जो लोग नहजुल बलागा का नाम सुन चुके हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नहजुल बलागा कभी कभी पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, बल्कि मुस्तकिल मुताले में रहने वाली किताब है। आप नहजुल बलागा को किताब जिंदगी समझें, आप नहजुल बलागा से अपने को वाबस्ता करें। जिंदगी का कोई मौजू ऐसा नहीं जो आपको नहजुल बलागा में ना मिलेगा। नहजुल बलागा के 3 पार्ट्स हैं, 3 जुज हैं। पहले जुज में हजरत के खुतबे हैं जिसकी तादाद 238 है। दूसरे जुज में आपके खतूत अहदनामे और वसीयत नामे हैं जिनकी तादाद 180 यानी 79 है। और तीसरे जुज में आपके हकीमाना अकवाल हैं जिसमें का एक एक कौल ऐसा है कि किसी एक कौल को भी अगर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद बना ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और उसकी आखरत भी कामयाब हो जाए। माशाल्लाह। आज तमहीद की मंजिल है। मैंने उन्हीं कलमाते हिकमत में से अपने बयान को आगे बढ़ाने के लिए 226 नंबर के कलमे हिकमत को जरिया बनाया है, इस वजाहत के साथ कि वैसे तो कुरान नातिक की जबान पर जारी होने वाला एक एक लफ्ज अपने अंदर गहराई गिराई और मानी और मफाहीम का वो समंदर लिए हुए है कि आज भी अरबी के अदीब नहजुल बलागा को पढ़कर इस बात की गवाही देते हैं कि ये ऐसे इंसान का कलाम है कि जो खालिक के कलाम के तो नीचे है लेकिन मखलूक के कलाम से ऊपर है। और ये हमारी बात नहीं, जितने लोग भी हैं तहता कलाम खालिक फौका कलाम मखलूक के, खालिक के कलाम से तो नीचे है लेकिन मखलूक के कलाम से ऊपर है। तो जिसका कलाम मखलूक के कलाम से ऊपर हो खुद उसकी जात कितनी बुलंद होगी। तो जो फरमाइएगा, और ये गवाहियां अपने भी दे रहे हैं गैर भी दे रहे हैं। बहरहाल वहीं से मैंने कहा वैसे तो खुद अमीर कायनात की जबान पर जारी होने वाला हर लफ्ज अपने अंदर गहराई और गिराई लिए हुए है, लेकिन वो मकाम और कीमती हो जाता है जहां कुरान नातिक ने कुरान सामित की आयतों का इस्तेमाल किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने मुसलसल कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया है। और उसकी तादाद तहकीक करने वालों ने बताई कि पूरे नहजुल बलागा में 122 आयतों का इस्तेमाल हुआ है। उन्हीं मकामात में से एक मकाम ये भी है जिसको मैंने जरिया बनाया है, जहां सवाल हो रहा है सोएला अन कौलही ताला, सवाल किया गया कुरान नातिक से अल्लाह के इस कौल से मुताल्लिक। वो कौल क्या है? फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, के हम तुम्हें हयात तय्यबा अता करेंगे। यह आयत कहां की है? सूरह नहल की। उस आयत का यह टुकड़ा है। पूरी आयत क्या है? मन अमेला सालेहन मिन जकरिन औ उनसा व हुआ मोमिन फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, के जो भी अमले साले करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो मोमिन है तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। यकीनन ईमान भी इसमें है, अमले साले भी इसमें है, लेकिन ईमान और अमले साले का नतीजा है हयात तय्यबा। हयात तय्यबा यानी कामयाब तरीन जिंदगी। तो ईमान पे नाज न करो, अमले साले का दावा न करो, देखो इन दोनों का नतीजा तुम्हारे पास है कि नहीं। अगर तुम मोमिन बनते हो लेकिन जिंदगी तैयब नहीं है तो ईमान का फायदा क्या? अगर तुम अमले साले के दावेदार हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी मुतमईन नहीं है तो ऐसे अमले साले का फायदा क्या? इसलिए कि वो दरख्त का जिसका शजर या जिसका समर बारवर ना हो तो यकीनन ईमान पे भी गुफ्तगू होगी, अमले साले पे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन हयात तय्यबा यानी किरदार आले मोहम्मद की रोशनी में बात होगी। अब यहां पर जो बुनियादी बात है,
अजीजान मोहतरम, यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मेरा मौला तारीख का मजलूम तरीन इंसान है। क्यों? इसलिए कि सूरह हज की आयत जिसका जिक्र सही बुखारी जैसी किताब में भी है कि दो गिरोह अल्लाह के लिए लड़ रहे थे जंगे बद्र में, मौलाए कायनात ने इस आयत को पढ़कर कहा कि अल्लाह के हुजूर सबसे पहले जो अपना मुकदमा पेश करेगा वो मैं हूंगा। और ये गवाही सही बुखारी में भी मौजूद है। और ये मजलूमी मौला अली की यकीनन ऐसी थी कि मिंबर की बुलंदी से आप दावा करते थे कि सलूनी सलूनी, पूछ लो पूछ लो, लेकिन नालायक लोग सवाल तक करने की सलाहियत नहीं रखते थे। और यकीनन ये पूरी गुफ्तगू है अली की मजलूमी की, इसलिए कि दावा सलूनी के बाद पूछने वालों ने कभी ये पूछा कि या अली मेरे सर में बाल कितने हैं, हमारे सर में बाल कितने हैं। मेरे मौला ने मिंबर की बुलंदी से कहा बता तो दूं, गिनेगा कैसे, बता तो दूं, गिनेगा कैसे। और ये पूछने वाला कौन है पता है आपको? ये उमर इब्ने साद के बाप हैं, ये साद इब्ने अबी वकास हैं, ये बड़े मोहताज समझे जाते हैं। इतने मोहताज थे कि किसी ने मौला अली से जाकर कहा कि या अली, साद इब्ने अबी वकास ने शाम के हाकिम का साथ नहीं दिया। तो मेरे मौला ने कहा कि अगर बातिल की तरफ नहीं गए तो हक की तरफ भी तो नहीं आए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो याद रखिएगा, हर मामले में गैर जानिबदार रहिएगा, लेकिन जब अली का मामला आ जाए तो अली के पीछे रहिएगा। बड़ी तवज्जो, वरना जो है फिर कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि हक के तलबगार तो सब हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अली ना हक वाले हैं ना हक हैं। आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं? इसलिए कि हक किसे कहते हैं? हक सच्चाइयों और अच्छाइयों के मजमुए का नाम है। बड़ी तवज्जो, हक सच्चाइयों और अच्छाइयों के मजमुए का नाम है। लेकिन बड़े से बड़ा आदमी भी एक फजीलत को तो संभाल नहीं सकता, ना कि सारी फजीलतों को कैसे संभाले। नहीं, मैं इसके लिए हमेशा मिसाल देता हूं कि देखिए, सच्चाइयों को अगर देखना है तो अगर आपके दरमियान ये पूछा जाए कि सच्चा किसे कहते हैं, तो आप मुमकिन है कहें कि अरे सच बोलने वाला सच्चा। बेशक इस मेयार पर अगर आप सच्चा ढूंढेंगे तो सैकड़ों नहीं हजारों सच्चे मिल जाएंगे कि सच बोलने वाला सच्चा। लेकिन याद रखिएगा, हकीकत में सच बोलने वाला सच्चा नहीं, बल्कि जो झूठ न बोले वो सच्चा। अरे आखिरी आदमी तक मैं पूछ रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, इस कसौटी पर जब आप सच्चों को ढूंढेंगे तो कितने सच्चे मिलेंगे? बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो भाई। अगर यह कहा जाए कि सच बोलने वाला सच्चा, तो जिसने एक भी सच बोला हो वो कह सकता है ना भाई मैं भी सच्चा हूं। लेकिन अगर मेयार यह हो कि जो झूठ न बोले, बड़ी तवज्जो, जो झूठ न बोले वो सच्चा, फिर तो बड़े से बड़ा भी कहेगा भैया ठीक है सच बोलते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते
कि हमने कभी झूठ न बोला हो। यही वजह है कि जब मुबाहले में नबी को सच्चों को ले जाना हुआ तो सिवाय हसन के, सिवाय जहरा के, सिवाय अली के और कोई नहीं निकला। इसलिए कि खाली माशाल्लाह 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 तवज्जो फरमाइएगा। देखिए वही बात, आप मुझे बताएं अगर खाली सच्चों की बात होती तो पूरा मदीना भरा हुआ था। और देखिए मुमकिन है कोई कहे कि बात आपने ईमान से शुरू की और पहुंच गए आप आले मोहम्मद तक, तो भैया मामला यह है, ये मुबाहले में आले मोहम्मद अपनी प्रॉपर्टी का झगड़ा लेकर थोड़ी गए थे। बड़ी तवज्जो, देखिए ईमान की जब बात होती है तो याद रखिएगा, मैं आइंदा अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह कि जहां मौलाए कायनात ने कहा कि फरजल ईमानो तत्हीरन मिन शिर्क, अल्लाह ने ईमान इसलिए करार दिया ताकि तुम शिर्क की नजासत से बच सको, वसलादा तंजीहन अनिल किब्र, और नमाज इसलिए करार दी गई ताकि तुम में गुरूर और तकब्बुर न रहे, वज़कता तस्बीबम लिर्रिस्क, और ज़कात इसलिए है ताकि तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो, वस्सियामा इब्तिलान लिखलासिल खल्क, और रोजे इसलिए रखे गए ताकि इम्तिहान के जरिए से बंदों के खुलूस का को परखा जा सके, वल हज्जा तक़वियतन लिद्दीन, और हज इसलिए है ताकि दीन की मजबूती का पता चले। और यही बातें जनाबे जहरा ने अपने खुतबे में की कि फजाल अल्लाह हो ईमाना तथीरन लकुम मिन शिर्क, वस्सलाता तंजीहन लकुम अनिल किब्र, वस्सिया वज़कता तस्कियतन लिन्नफ्स, व नमान फिर रिस्क। ये मैं आइंदा की मजालिस की सुर्खियां सुना रहा हूं आपको, ये मैं आइंदा की मजालिस में होने वाले बयान की हेडलाइंस आपको सुना रहा हूं। आज पहला दिन है तो यकीनन आप मेरे अंदाज से आमादा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में, और मैं ईमान की बात कर रहा हूं कि जहां ईमान इसलिए है ताकि शिर्क की नजासत से बच सको। बेशक शिर्क से बचना चाहिए, लेकिन शिर्क से बचने का यह मतलब नहीं है कि रसूल को न पुकारो, आले रसूल को न पुकारो। अरे हम तो मजबूर लोग हैं, मुबाहला गवाह है कि बात थी नजरिया तौहीद की। बड़ी तवज्जो भैया, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था मुबाहले में, असल में नसाराए नजरान खुदा की तौहीद पर। भाई ईमान का पहला जुज तौहीद है ना, और तौहीद के लिए वो बहस करने के लिए आए थे कि हम तो ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। उधर से कुरान की आयत आई कि इन तौहीद पर बहस करने वालों से कहो कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है, जैसे आदम बगैर मां बाप के होकर भी अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, इसी तरह से अगर ईसा का बाप नहीं भी है तो ये अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन कुरान की वाज़े आयत आने के बाद भी जब नसारा नहीं माने, तब ये आयत आई फी हे मिम्बादे माजा का मिनल इल्म फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसाना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लानतल्लाही अलल काज़िबीन। अगर ये इल्म के आने के बाद भी नहीं मानते तो अगर कुरान काफी होता। भाई तवज्जो तवज्जो, ये तो कुरान में पढ़ रहा हूं ना, इल्म यानी कुरान के आने के बाद भी अगर ये नहीं मानते तो इनसे कहो हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। गोया के मामला था तौहीद का,
लेकिन नबी मुबाहले में लेकर जा रहे हैं हसनैन को, जहरा को, अली को, बता दिया है अल्लाह अल्लाह करने वालों, मुबाहला गवाह है कि नजरिया तौहीद बगैर हसनैन के, बगैर जहरा के, बगैर अली के मुकम्मल नहीं होता। तो तुम भी अपना नजरिया तौहीद अगर दुरुस्त करना चाहते हो तो दरे आले मोहम्मद को न छोड़ना। माशाल्लाह, सलवात माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला मरहूम मेरे शेखुल एजाज़ा भी हैं, उन्होंने इसी तरह से किसी मजलिस में लगने वाले नारों को देखकर कहा, यह मजलिस के अंदर जो मजलिस होती है ना भाई, इधर से भी जिक्र हो रहा है, उधर से भी जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस जिक्र को रोकूंगा नहीं, इसलिए कि यह और कोई जिक्र नहीं, जिक्र अली है, और जिक्र अली मजलिसों की जीनत है, जिक्र अली मजलिसों की जीनत है। और ये कोई जज्बाती खतीब नहीं कह रहा है, ये बगैर वही के न बोलने वाला नबी कह रहा है। भाई तवज्जो कीजिएगा कि जिक्रो अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है, और इसमें लोगों को घबराना भी नहीं चाहिए कि बात ईमान की आप कर रहे हैं, अली के जिक्र पर जोर है, बात तौहीद की आप कर रहे हैं, पंजतन का तस्किरा है। मैंने बताया कि जब नबी नजरिया तौहीद को मनवाने के लिए हसनैन को ला रहे हैं, जहरा को ला रहे हैं, अली को ला रहे हैं, तो अब तो समझ जाओ कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है। तुम्हारा लिए जिक्र अली माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारा आइंदा की मजालिस के लिए कुछ बुनियादें मैं मुस्तहकम कर रहा हूं ताकि लोगों को फिक्री असास का पता चल जाए, और वो ये कि कभी भी उलझना नहीं चाहिए कि ये अली अली क्यों होता है। तो भैया जैसा हमला होता है वैसा जवाब दिया जाता है। देखिए मरहले को समझिए, बात को समझिए कि बात नबी ने क्यों कहा कि जिक्रो अली ने बाधा, फलसफा भी नबी ने बताया, ये अंदाज खिताबत हमारा अपना नहीं है, ये नबी का बताया हुआ है। का जिक्रो अली ने इबादा क्यों, जिक्र हु जिक्री जिक्री जिक्रुल्लाह, अली का जिक्र इबादत इसलिए है कि उसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और खुदा का जिक्र इबादत है। बड़ी तवज्जो बड़ी तवज्जो। और ये बात क्या है, क्या समझते हैं आप, जब नबी ने आगाज किया है, ईमान की बुनियाद तो तौहीद है ना, ईमान की बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, लेकिन जब हमारे नबी ने कुफारे मक्का के दरमियान कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे, तो अब जब इन्होंने एक खुदा का नाम सुना तो बुतपरस्तों ने, मुख्तलिफ खुदाओं के मानने वालों ने अपने खुदाओं पर कयास करते हुए पैगंबर के बताए हुए खुदा पर भी यही कयास किया होगा कि जैसे हमारे अपने बनाए हुए खुदा हैं कि हम उन्हें बनाते भी हैं, वक्त पड़ने पर खा भी लेते हैं। भाई ये तारीख है, ये तारीख है ईमान और कुफ्र की, ईमान और शिर्क की, कि उन्होंने अपने खुदाओं पर उस वादहु ला शरीक का, मैं इंशाअल्लाह नहजुल बलागा के हवाले से ईमान के ज़ैल में नजरिए तौहीद पे गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि अल्लाहु अल्लाहु की जरबे मारना और है, नजरिए तौहीद पे गुफ्तगू करना और है। इंशाअल्लाह चीदा चीदा कुछ खुतबे और खुतबों के इंतखाब आप हजरात के सामने आइंदा की मजालिस में आएंगे, लेकिन बुनियादें तो देख लें आप कि अजीजान मोहतरम जब उन्होंने ये सुना कि हमारे खुदा के मुकाबले में एक खुदा को पेश किया जा रहा है, तो खुदा दुश्मनी में या अपने खुदाओं की मोहब्बत में ये पूछते हुए चले कि अगर मोहम्मद का खुदा कहीं मिल जाए,
बड़ी तवज्जो, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को समझता है ना, कि अगर हमारी तरह के खुदा होंगे तो जहां भी मोहम्मद को खुदा मिलेगा हम उन्हें खत्म कर देंगे, हम उन्हें मिटा देंगे। लेकिन वहां नबी ने कह दिया कि हमारा खुदा तो नजर नहीं आता, वो खाने में नहीं आता, वो चखने में नहीं आता, वो वाजिबुल वजूद है, वो लम यजल है, वो ला यजाल है, वो लम यलिद है, वो लम यूलद है, उसे देखा नहीं जा सकता, वो कायनात पर मोहित है। तो अब ये मायूस होकर जो खुदा की दुश्मनी थी वो मुंतकिल हो गई नबी की तरफ, कि अगर खुदा नहीं मिलता तो जो खुदा का पैगंबर है हम उसे मार देंगे। और खुदा दुश्मनी में उस नबी को मारने के लिए नबी के घर तक आ गए। बड़ी तवज्जो, नबी के घर तक आ गए और नंगी तलवारें लेकर आ गए। ये नबी से जाती दुश्मनी नहीं थी, अगर जाती दुश्मनी होती तो सादिक क्यों कहते, अमीन क्यों कहते, अपनी अमानतें रखवाते क्यों? ये दुश्मनी तो थी इसीलिए कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा। बड़ी तवज्जो, अब आए थे खुदा दुश्मनी में नबी को मारने और नबी को हुक्म हो गया कि देखो तुमको मारने आए हैं मेरे नाम पर, लेकिन तुम हिजरत कर जाओ और अपने बिस्तर पर अली को लेटा दो। तो खुदा की दुश्मनी कहां मुंतकिल होकर आई? नबी की तरफ। और नबी को हुक्म हिजरत हो गया, बिस्तर पर अली मिले। बड़ी तवज्जो, बिस्तर पर अली मिले। तो अब जो अली से दुश्मनी निकाली जा रही है ये अली की दुश्मनी नहीं है, ये असल में खुदा की दुश्मनी है, ये असल में नबी की दुश्मनी है। तो दुश्मन खुदा दुश्मनी भी निकाल रहा है अली से, नबी दुश्मनी भी निकाल रहा है अली से। तो जैसा हमला होता है वैसा जवाब दिया जाता है। जिस तरह से दुश्मन खुदा दुश्मनी भी अली से, नबी दुश्मनी भी अली से, उसी तरह से खुदा के चाहने वाले भी खुदा दोस्ती का इजहार भी जिक्र अली से करते हैं, नबी दोस्ती का इजहार भी जिक्र अली से करते हैं। माशाल्लाह। बस अजीजान मोहतरम, बस आज इतना ही। आज मैं इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, जिस तरह से मैंने आगाज मसाइफ से किया था उसी तरह से अब रब देने के लिए भी मैं तमहीज से काम नहीं लूंगा, लेकिन इस मजमे को देखकर यकीनन हम कह सकते हैं कि दुनिया ने देख लिया कि COVID-19 में भी जाहिरी मजमे लगता है कम हुए हों, लेकिन जिक्र में कोई कमी नहीं हुई। भाई तवज्जो कीजिएगा, जिक्र का दायरा और बढ़ गया। और हर साल मुमकिन है लोग ये सोचते हो कि शायद इस साल कुछ जोश में कमी हो जाए, जज्बे में कमी हो जाए, लेकिन आज पहली ही रात इस तरह से मजमे का बेदार होकर इस बयान को सुनना बता रहा है कि ये दुआए सैयदा का नतीजा है। और जहां दुआए सैयदा हो वहां इस जिक्र को मिटाएगा कौन? इसलिए कि जोश मलियाबादी ने कहा कि हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा। फख्र की बात है, हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब मजहरी साहब खुदावंदे आलम इनको और सभी मोमिनीन को सेहत और सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमाए। यकीनन मुंतजमीन ने बड़ा अहतमाम किया है, इंतजाम किया है, और वक्त से आप हजरात तशरीफ ला रहे हैं। याद रखिएगा, हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा कि हो जाए महो यादे शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजो न चल सका, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका, अब्बा से नामवर के लहू से धुला हुआ अब भी हुसैनियत का आलम है खुला हुआ। हाँ माशाल्लाह, वाह। हाँ अजीजान मोहतरम, यकीनन ईमान और अमल साले समेट रहा हूं गुफ्तगू, ईमान फैले तो बरसों पर मोहित हो जाए,
सिमटे तो खंदक में कुल ईमान बन जाए। और क्या कहना उस जंग का जिसमें जाते हुए नबी ने अली को कुल ईमान कहा। ईमान अमले साले किरदार आले मोहम्मद की रोशनी में कल के लिए राहें में हमवार कर रहा हूं। रब्ते मसाइब है, आमादा हो चुके आप? और वो ये कि जाते वक्त क्या कहा, कुल ईमान, और जब आए तो क्या कहा, जरबतो अली यौम खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। जाते वक्त ईमान की सनद, आते वक्त अमल की सनद, भाई कि एक जरबत अली की, जरबतो अली यौम खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत से अफजल है। जबी तो शायर ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी। हाँ जीजो, उसी सजदे शब्बीरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आप जमा हुए हैं। हाँ, मैंने इस्तकबाल अज़ा के नाम पर होने वाली मुख्तलिफ मजलिसों में, बर्मिंगम में भी, बर्ले में भी, मीर अनीस आलल्लाहु मकामहू के मरसिए के ये चंद बंद पढ़े, बड़े पुर असर हैं। यकीनन मदीने से नबी के नवासे का निकलना, अल्लाहु अकबर, किसी मुफक्किर ने अजीब बात कही कि इस ख़ानदान का मरकज़ तो आखिरी रसूल है ना, इस ख़ानदान का सैयदो सरदार तो रिसालत माब है ना। जहरा खुदबे फिदक देकर बाबा की कब्र पर गई हैं, बाबा मेरा हक नहीं दिया गया। इसी तरह से इनकार बैत के बाद नबी का नवासा अपने नाना की कब्र पर आया है। बड़ी तफसीली रवायतें हैं अज़ादारों मदीने की के हुसैन इब्ने अली बार बार गए हैं नाना की कब्र पर फरियाद करते हुए, नाना की कब्र पर बयान करते हुए। अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कि हुसैन 26वीं रजब से 28वीं रजब तक कितनी मर्तबा गए हैं, और जाकर कहा है कि नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा नाना, जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ आज़ादारो, आपने यकीनन आगाज़ में भी गिरिया किया, अंजाम में भी रोने में कमी न कीजिएगा, इसलिए कि दुखिया माँ पुरसा लेने के लिए आई हुई है। बीबी जहरा आइए, पहली रात है, चांद रात है, बीबी जहरा ये मजमा आया है, माएँ बहनें आई हैं उस उजड़े हुए घर का पुरसा, जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ आज़ादारो, बार बार हुसैन गए हैं, आपको पता है कि नाना की कब्र पर कहा है कि नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा नाना, नाना मुझे अपनी कब्र में ले लीजिए। रवायत के जुमले हैं, आवाज आई, हुसैन राह शहादत से गुजर कर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ आज़ादारो, तो जब हुसैन इब्ने अली बार बार माँ की कब्र पर जा रहे थे तो एक दफा के मंजर को मैंने अभी पढ़ा ना कि वो दुखिया माँ जिसने बंदे कफन तोड़े थे, तो जो उस हुसैन के लिए तड़प सकती है, तो जब हुसैन मदीने से निकल रहा होगा तो माँ पे क्या गुजर रही होगी कि मेरा लाडला जा रहा है, मेरा लाल जा रहा है। और इसी की तर्जुमानी मीर अनीस ने अजब तरह से की कि हुसैन मेरे पास तो आ रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी माँ पे क्या गुजर रही है, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, आई थी पास मेरे रात को करते हुए बैन के सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस्सकलैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस्सकलैन, कहने आई हूं कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी।
कहने आई हूं कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं अपने बच्चे को, अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। माँ की तुर्बत पे गए इमाम अबरार, उतरी महमिल से बसद आहो फगां ज़ैनब ज़ार। हाथ ज़हरा के निकल आए पाए सब्र करार, आई आवाज न रो मेरे दिल को कलक होता है। अरे कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है, कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ बुलाओ मेरा अब्बा से दिलावर है किधर, हाँ बुलाओ मेरा अब्बा से दिलावर है किधर। वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं हूं सदके उस पर। शिकमे गैर से गो है पवो मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर। आई आवाज रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, अरे याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके सर रख दिया अब्बास ने पाई ने मजा, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार। अरे अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर है ऐ दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, अरे मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले। जज़ाकुम रब्बकुम। आज़ाद रहो। अल्लामा रशीद तराबी मरहूम कहते हैं जब जमाने के इमाम की सवारी तैयार हो चुकी, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हो चुके, अभी गाजी घोड़े पर सवार होना चाह रहे थे, मदीने से निकलने का मंजर है कि एक मर्तबा बैतुश्शरफ से एक कनीज निकल कर आई। उसने गाजी से आकर कहा शहजादे आपको आपकी माँ बुला रही है। आज़ाद रहो जरा तसव्वुर करो, वो चलता हुआ काफला जनाबे अब्बास जा रहे हैं। एक मर्तबा कनीज ने आकर कहा आपको आपकी मां बुला रही है। मां का नाम सुनना था, जनाबे अब्बास दौड़े हुए जनाबे उम्मुल बनीन की खिदमत में गए, कहा मां क्या बात है। आज़ादारो पता है मदीना उजाड़ा है, अब्बास मां की खिदमत में है, कहा अब्बास तुम जा रहे हो मेरा पूरा भरा घर जा रहा है, तुम्हारे एक बेटे के अलावा अब्बास मेरे पास कोई नहीं है। अब्बास मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना ख्याल रहे मैंने सारी जिंदगी जहरा की कनीजी की है, देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आका कुर्बान हो जाए और तुम बच जाओ। यही वजह है कि जब तक अब्बास जिंदा थे किसी में हिम्मत न थी जो आका हुसैन की तरफ, लेकिन इधर बाजू कलम हुए उधर जहरा का लाड नरगए आदा में अजब नहीं आवाज दी हो लाशे अब्बास ने लब्बैक लब्बैक, लेकिन मौत ने वाह हुसैना वाह मजलूमा अला लानतुल्लाह अलल कौम जालिमीन सयालम लजीना जलम अयमन कलबिन यन कलबून। मातम हुसैन या 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 हुसैन या
या हुसैन 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 रुक न पाया कभी रुक न पाएगा ये गम तेरा अर्श से फर्श से अर्श तक है सदा ओ मातम तेरा ओ है मौजज़ा मातम तेरा है या हुसैन 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 रुक न पाया कभी रुक न पाएगा ये गम तेरा अर्श से फर्श से अर्श तक है सदा ओ मातम तेरा है मौजज़ा मातम तेरा ओ है मौजज़ा मातम तेरा या हुसैन जियो 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 है फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए साए हुए हर फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फलक से चांद भी निकला कमर झुकाए हुए हमारे मुहर्रम गमों के साए हुए हाय हाय फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए हाय फलक से चांद भी निकला कमर झुकाए हुए माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए हाय फेरा या माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फलक से चांद भी निकला कमर झुकाए हुए
है फिर आया माहे मुहर्रम गमों के साए हुए फलक से चांद भी निकला कमर झुकाए हुए आहे मुहर्रम गमों के साए हुए जियो आहे मुहर्रम गमों के साए हुए आहे मुहर्रम गमों के साए हुए आए फिर आया माहे मुहर्रम जब किसी माँ का लाल मर जाए फिर सुनिएगा जब किसी माँ का लाल मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है हाय कितनी मजलूम है जहरा पुरसा लेने भी चल के आती है फिर आया माहे मुहर्रम के साए हुए है रुकी हुई है मलाइका की तस्बीह इस गम में रुकी हुई है मलाइका की तस्बीह इस गम में है रसूल दुखों में है हुए फिर आया माँ
है फलक से चांद भी निकला, कमर झुकाए हुए दारों का हुक्म है करबला, सब बोलो बिस्मिल्लाह। हाय मावा करबला, हाय मावा करबला, हाय मावा करबला दिया मावा। करबला दिया मावा।
हाय मामा करबला दिया मामा एहसान करें देर तई लड़े दारे ओ तेरे टुकड़े मुताबिक बधनिया ने ओ मेरे वीर हुसैन दिसा वामा जियो महाराज बाबू मस्त रहो हाय मामा करबला दिया मामा वो पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े रिया लभ दिया बिच सहरा शिमरे दे कर जरे दे वार जहरारों के नाल ए सैन कवे हाय शिमरे दे कर जरे दे वार जहरारों के नाल ए सैन कवे वो मैं चखिया आखिरी मिसरा इसके बाद करबला दिया मामा
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وسيم رسول الله يا أمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة يا حسن مجتبى
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لذيارتكم السلام على الحسين وعلى السلام عليك يا علي بن الحسين يا زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا باب الهبائج السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي بن موسى أيها الرضا السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجباد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا طالع الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم يا سادتي يا أولياء الله جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كن لبنيك يا الهنجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلوات